हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूँ। अपने अडेनियम के प्लांट कुछ दिखाऊंगी और आपको कंपैरिजन बताऊंगी राइस हस्क कोकोपीट एज मिट्टी। तो जो प्लांट मैंने मिट्टी में लगा दिए, जो सीडलिंग मिट्टी में लगा दी, उनकी कंडीशन क्या हो गई है, और जो प्लांट मेरे राइस हस्क एंड कोकोपीट में लगे थे, मतलब दोनों का मिक्सचर मैंने मिलाया था, राइस हस्क कोकोपीट एंड सैंड, तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर जो प्लांट मैंने लगाए थे उनकी कंडीशन मैं आपको दिखा देती हूँ। प्लांट सब साथ के ही हैं, एज सबकी सेम है, अंतर आपको दिखाऊंगी। ये प्लांट थोड़ा अलग है और पहले का है शायद, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये हाँ बड़ा प्लांट है, मेच्योर प्लांट है। इसमें ब्रांचेस देखिए देसी है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इसका जो मतलब डिज़ाइन है, ऐसे चौकोर डिज़ाइन सा बना है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फर्स्ट प्लांट तो हमारा ये हो गया, ये राइस हस्क सैंड और कोकोपीट के मिक्सचर में लगा हुआ था। सीडलिंग मतलब लगभग जब मैंने 1 मंथ या फिर 45 डेज की सीडलिंग जो रिपोर्ट की थी उन्हीं को रिपोर्ट किया था, और सीधा डायरेक्ट मैंने लगाया था ग्रो बैग में, लगभग 5 इंच या 4 इंच के ग्रो बैग रहे होंगे उन्हीं में लगाया था। तो ये भी सब उसी मिक्सचर में लगे हुए थे, इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये प्लांट ही मेरा इसी में लगा था, थोड़ा सा मतलब कि इसके नीचे की रूट्स थोड़ी सी कम अच्छी ग्रो हुई है, लेकिन ये दोनों प्लांट मेरे बड़े हैं, मतलब लगभग 1 साल के प्लांट होंगे ये। बाकी की सीडलिंग जो मेरी लगभग 7 या 8 महीने की सीडलिंग है, तो उनको मैं दिखा देती हूँ। चलिए, 7-8 महीने से ज़्यादा की नहीं है, 7 महीने की सीडलिंग ही है। मैंने सितंबर में इनको रिपोर्ट किया था और लगभग 1-2 महीने पहले की सीडलिंग थी, जो मतलब कि सितंबर के बाद पहले से जो ग्रो की थी। तो ये देखिए इनकी ग्रोथ देखिए, ये तो 3 दिन से पड़े हुए हैं, 2-3 दिन से, इसलिए थोड़ी सी रूट्स सब सूख गई हैं, नहीं तो जिस समय मैंने निकाला था इनकी रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हुई थी। ये सारे प्लांट मेरे राइस हस्क सैंड और कोकोपीट के मिक्सचर में लगे हुए थे, पर रीज़न क्या था निकालने का, एक तो वीड्स बहुत ज़्यादा ग्रो हुई थी मेरे प्लांट में, बहुत ही ज़्यादा वीड्स ग्रो हुई थी, इतने बड़े बड़े बथुआ और पता नहीं क्या क्या ग्रो हुए थे कि मतलब उनको वीड्स को निकालो तो पूरा प्लांट बाहर निकल रहा था, क्योंकि सॉइल मीडिया बहुत ही वेल ड्रेन था। और कुछ प्लांट में मैंने ग्राफ्टिंग के लिए ट्राई किया, तो ग्राफ्टिंग करते समय प्लांट जो है उसकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं थी, तो हिल जाता था प्लांट, तो इसलिए मैंने इनको बाहर निकाल लिया, क्योंकि वीड्स भी निकालनी थी, वीड्स में लगा हुआ प्लांट को थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रही थी। और एक देखिए ये है, कई सारे इस तरह के प्लांट हैं मेरे गार्डन में जिसमें इतनी ज़्यादा ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं, तो मैंने इसको अभी प्रून भी नहीं किया, इसमें प्रूनिंग कर दूंगी थोड़ी सी, इसके नीचे की रूट भी प्रूनिंग करनी है, क्योंकि ये जो रूट इस तरह की हो जाती है ना, ये डेड हो चुकी होती हैं, तो आपको यहाँ से प्रून कर देना होता है। प्रूनिंग के बाद यहाँ पर न्यू रूट्स निकलते हैं, तब ग्रोथ बहुत अच्छी निकल करके आती है। ये थोड़े से प्लांट मेरे डिहाइड्रेट भी हुए हैं, ये प्लांट थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़े थोड़े हुए हैं, और जब रूट्स इस तरह की हो जाती हैं तभी डिहाइड्रेट हो जाते हैं और इनका जो कोडेक्स जो है चिपक जाता है, पिचक जाता है। और ग्रोथ दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये सारे सैंड और राइस हस्क में लगे हुए प्लांट थे। इधर देखिए ये सीडलिंग, ये सारी। अब आपको जो मैं मिट्टी में लगा हुआ दिखा देती हूँ, मिट्टी में लगे हुए कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि मैंने इसको कल से पानी में डुबा के रखा हुआ है। सारे देखिए इनके रूट्स ग्रो ही नहीं हुई, लगभग 15 या 20 सीडलिंग होगी मैंने मिट्टी में जल्दबाजी में जो ग्लासेस में लगे हुए थे प्लांट, तो उनको रिपोर्ट कर दिया था मिट्टी और सैंड के मिक्सचर में, तो सैंड कम थी मिट्टी ज़्यादा थी उसमें। तो इनको देखिए, ऊपर से विंटर में मैंने पानी कम दिया, पानी मैंने इनमें भी कम दिया है, बहुत कम पानी दिया है अभी, मतलब कुछ टाइम से मैंने लगभग जनवरी दिसंबर के महीने और जनवरी के महीने में पानी इनको बिल्कुल बहुत कम दिया है, और इनको भी मैंने बहुत कम पानी दिया था। उस कंडीशन में देखिए जितनी भी मेरी सीडलिंग है, अब इनकी कंडीशन देख सकते हैं, इनके सारे जो रूट्स हैं वो डेड हो चुकी हैं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो आप इस तरह से कुछ दिनों के लिए पानी में इसको रख दीजिए, तो शायद ये ठीक हो जाए। कभी कभी ठीक हो जाती है, कभी नहीं भी ठीक होती है, क्योंकि ये जो रूट्स होती है इसकी पूरी डेड हो चुकी होती है, तो ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो हमको इस कंडीशन पे क्या करना होता है, वो टॉपिक मैं आपके साथ अलग से सोच रही हूँ शेयर करूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा कि हमको इसको ग्रो किस तरह से करना है। पर बाकी क्या आपको दिखा दूँ, तो बहुत अच्छे से जो, तो आपको यही बताना था मुझे कि जो पॉटिंग मीडिया आप सिलेक्ट करते हैं ना बेबी प्लांट के लिए, जैसे कि ये आपकी 2 मंथ की सीडलिंग है, उसके लिए आप पॉटिंग मीडिया जो सिलेक्ट करते हैं उसमें कोकोपीट की मात्रा रखिए, सैंड रखिए और राइस हस्क रखिए, उनके रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इस तरह से रिजल्ट मिलेगा, आप देख सकते हैं सारी सीडलिंग मेरी, ये लगभग 8 महीने की सीडलिंग है, काफ़ी हेल्दी और अच्छे से प्लांट हैं, तो बहुत ही सुंदर से प्लांट। इनको आज मुझे रिपोर्ट भी करना है, इनका पॉटिंग सॉइल मैंने बना लिया है, इस बार भी मैंने राइस हस्क मिलाया है, कोकोपीट तो पुरानी वाली ही है जो इनमें पहले से थी मतलब, और इसमें देखिए इसका भी अलग सा ही डिज़ाइन जा रहा है, तो
इसकी भी ग्रोथ थोड़ी सी रुकी हुई थी। इसकी देखिए रूट्स जब ये इस तरह से हो जाती हैं तो थोड़ी सी ग्रोथ रुक जाती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी। ऊपर से विंटर में थोड़ी ग्रोथ रुक ही जाती है, ये देखिए। तो मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि जब आप पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तो थोड़ा सा उसमें कोकोपीट, सैंड और राइस हस्क जरूर मिलाया कीजिए बेबी प्लांट के लिए। बड़े प्लांट को आप किसी भी मिक्सर में लगा सकते हैं, वैसे बड़े प्लांट में भी राइस हस्क बहुत ज़्यादा अच्छा असर दिखाता है। मेरे कोडेक्स आप देखते हैं मेरे गार्डन में कितने बिग साइज के कोडेक्स होते हैं, वो राइस हस्क का है। इस बार राइस हस्क मैंने इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि मेरे पास एक तो अवेलेबल नहीं था, थोड़ा सा मैंने बचा के रखा था इन्हीं मतलब सीडलिंग के लिए, तो मैंने बड़े प्लांट में राइस हस्क नहीं मिलाया। लास्ट ईयर का राइस हस्क उसमें काफ़ी सारा है, मतलब वो पूरा डीकंपोज हो चुका है, तो इस बार मैंने राइस हस्क नहीं मिलाया, था भी नहीं मेरे पास। और मुझे बहुत ज़्यादा कोडेक्स नहीं बढ़ाना था क्योंकि मेरे गमले इतने ज़्यादा मतलब फटने को तैयार हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उनका कोडेक्स बिग साइज़ का हो जाता है, तो इतना फिर वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है उसका और दिक्कत होती है ज़्यादा बड़ा कोडेक्स होने में। तो इस साल मैंने उतना ज़्यादा राइस हस्क मतलब नहीं मिक्स किया, ना ही कोकोपीट मिलाई है। इस बार मैंने सैंड थोड़ी सी लगभग 10-15% मिट्टी होगी, 20% समझ लीजिए, और बाकी मेरे किचन वेस्ट कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट है, लगभग 10% वर्मी कंपोस्ट है, नीम की खली है। ये सारी चीज़ें मैंने मिलाकर के पॉटिंग मीडिया बनाया है और इनकी ग्रोथ देखिए, तो इनको हमको सबको रिपोर्ट करना है आज। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हेल्दी और सुंदर से सीडलिंग है। अभी तो अब इनमें मैं ग्राफ्टिंग नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये जुलाई के लिए मेरे ये प्लांट तैयार हो जाएंगे अभी ये वाले सारे, क्योंकि इस बार मेरे पास सीडलिंग नहीं है। इस बार मैंने जो मेरे गार्डन में एक भी सीड पॉड नहीं बना, तो उस कंडीशन पर मुझे अपनी यही सीडलिंग को सेफ बचा के रखना है ताकि मैं नेक्स्ट जब मतलब आने वाले टाइम में फिर से इनमें ग्राफ्टिंग कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास सीडलिंग अब है नहीं, तो इन्हीं को मैं अच्छे से ग्रो करके और इनको हेल्दी हेल्दी सीडलिंग को, देखिए यहाँ पर कितना सुंदर सुंदर सीडलिंग है, ये देखिए इसमें दो ब्रांच हैं और काफ़ी अच्छे से ये भी चल रहा था, मैंने यहाँ से प्रूनिंग की थी यहाँ से, तो ये देखिए तीन ब्रांच निकल कर आए थे, ऊपर भी इसमें तीन ब्रांच हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसको प्रून करूँ या ना करूँ, आने वाले टाइम में मैं इसमें भी ग्राफ्टिंग ही करने वाली हूँ, तो रहने देते हैं इनको ऐसे ही। ये देखिए कुछ ब्रांचेस में इतने ज़्यादा ब्रांचेस इस तरह से डेवलप हुई हैं, ये सब प्रूनिंग करने, जब मैं शुरू में पिंचिंग कर देती हूँ ना तो बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, इसका शेप भी काफ़ी अच्छा है। तो बस यही दिखाने का मकसद था। ये भी देखिए इसकी भी रूट्स पूरी डेड हो चुकी हैं, तो इनको हमको सबको कट करके फिर से रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या करना है। ये देखिए इसका कोडेक्स कितना प्यारा है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम बॉल की तरह बिल्कुल, ये देखिए। तो काफ़ी सुंदर सुंदर से कोडेक्स हैं और ओबेसम बहुत ज़्यादा सुंदर वेरायटी होती है, ओबेसम में बहुत सुंदर कोडेक्स बनता है, बहुत सुंदर फूल भी आते हैं, तरह तरह के हाइब्रिड ग्राफ्टेड वाले में तो और ज़्यादा सुंदर सुंदर फूल आते हैं, देसी वाले भी बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा सा हाइब्रिड बनाना है अपने प्लांट को, तो ग्राफ्टेड बनाना है, इसलिए मैं इनको तैयार करती रहती हूँ। और बहुत ही सुंदर से देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है सभी सीडलिंग की, कुछ मिट्टी में भी लगे हुए इनमें से भी होंगे, जिनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई है उन मिट्टी में ही लगे हुए प्लांट है, जैसे ये देखिए ये मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है तो इसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई है, और ये भी मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है, ये देखिए इसकी भी ग्रोथ नहीं हुई, थोड़ा सी डिहाइड्रेट हो रहा है, थोड़ा पानी कमी है इसको भी, और पानी समय थोड़ा मैंने कम दिया था इस वजह से कुछ कुछ पानी कम है, लेकिन जो राइस हस्क में लगे थे उनमें पानी की कमी बिल्कुल नहीं हुई है, जबकि पानी मैंने सबको सेम ही दिया था, सेम डे में ही पानी देती थी। तो ये देखिए इधर भी बहुत सारे डेड हैं, इनकी जो नीचे की रूट है ये सारी डेड हो चुकी हैं, तो इनको सबको प्रून करके हमको फिर से रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये सारी मिट्टी में लगी हुई सीडलिंग थी, एक देखिए इतनी छोटी सी है, एक ग्लास में रह गई थी तो ये छोटी सी ही रह गई बिल्कुल। तो इस तरह से जब भी आप पॉटिंग मीडिया बनाते हैं सीडलिंग के लिए, तो आप राइस हस्क और कोकोपीट थोड़ा सा मिक्स जरूर करिए, उससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि उसमें सीडलिंग आपकी ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, आप पानी उसको देंगे तो भी बहुत अच्छा रहता है, दो चार दिन आप पानी देना भूल भी गए तो भी वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर पानी स्टोर रहता है तो वो प्लांट उससे पानी लेता रहता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यही आपके साथ आज शेयर करना था कि मतलब कंपेरिजन अगर हम करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों में मिट्टी और राइस हस्क के मुकाबले, तो राइस हस्क और कोकोपीट का मिक्सचर जो होता है बेस्ट होता है सीडलिंग के लिए, तो अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि मेरे जो प्लांट की ग्रोथ है इतनी अच्छी क्यों, इनकी रूट्स इतनी अच्छी डेवलप होती हैं, तो ये उसी पॉटिंग मिक्स में लगे हुए थे। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।